एक पुजारी पड़ोस के गांव में एक अमीर आदमी के यहां से जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ लौट रहा था। वो अमीर आदमी बड़ा सखी था। वो फकीरों और पुजारियों की बहुत इज्जत करता था और उनको अशरफियों और कीमती तोहफे तहाइफ से नवाजता था। उस अमीर आदमी ने पुजारी को भी ढेर सारी सोने की अशरफियां तोहफे के तौर पर दे दी थीं। इतने सारे सोने के सिक्के पाकर पुजारी बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि जंगल का खतरनाक रास्ता कम वक्त में पार कर सके। अपनी धुन में मगन पुजारी को अचानक उस वक्त शदीद झटका लगा जब उसने अपने सामने एक भालू को देखा। अब पुजारी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि अब वो क्या करे। आखिरकार वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब भालू ने उसको इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते पुजारी बुरी तरह थक गया। उसके पांव कांपने लगे। पुजारी थकन के मारे एक जगह खड़ा हो गया। भालू भी उसके पास पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। पुजारी सोच में पड़ गया कि अगर अपनी जान बचानी है तो उसे भालू से लड़ना पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा था कि भालू पुजारी के ऊपर कूद गया। पुजारी भी उससे दूबदू लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लड़ते लड़ते अचानक पुजारी के हाथ में भालू की दुम आ गई। पुजारी ने पूरी ताकत से दुम को पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। पुजारी और भालू दोनों घूमते रहे। ऐसे में पुजारी की कमर से बंधी हुई थैली में से सोने की अशरफियां निकल निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। पुजारी को अपनी जान बचाने की फिक्र थी, इसलिए उसको सोने के सिक्कों के इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि उस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिले। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अगर उसने भालू की दुम को छोड़ दिया तो भालू उसको जान से मार डालेगा। पुजारी उसी सोच में डूबा रहा कि भालू की दुम को पकड़कर इसी तरह गोल गोल घुमाते रहने से ही उसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक यही हालत रही कि उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल गोल घूमते हुए पुजारी और भालू को देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। दोनों के करीब आया और खड़े होकर उन दोनों को गौर से देखने लगा। फिर उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं? पुजारी ने लकड़हारे की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने उसी तरह गोल गोल घूमते हुए कहा, ऐ लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये भालू की दुम को पकड़कर इसी तरह गोल गोल घुमाने से निकले हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गई। उसने कहा, आपको तो काफी अशरफियां मिल गई हैं, अब जरा मुझे भी भालू की दुम पकड़ा दीजिए ताकि मैं भी उसे घुमा कर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। पुजारी कुछ देर तो यूं ही दिखावे के लिए टालता रहा। फिर उसने लकड़हारे को भालू की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा करके वहां से भाग निकला। लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए उसी तरह परेशानी के आलम में भालू की दुम पकड़कर गोल गोल घूमता रहा। उसे सिक्के न मिलने थे न मिले, लेकिन हाँ, जब वो बुरी तरह थक गया तो उसको लालच की सजा जरूर मिली, यानी भालू ने उसको मारकर खा लिया।